हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो आइए, 10वीं की जो बोर्ड की एग्जाम आपकी चल रही है उसके लिए मैं डेली आपके लिए गणित के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो आइए हम आपको दो विधियाँ सिखाएंगे। इन विधियों के द्वारा आपको परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी और ये जो क्वेश्चन है आपका हर बार एग्जाम में आता है। तो हम जानते हैं कि इन वीडियो की बात आज हम करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको हम कह सकते हैं या तो प्रतिस्थापन विधि या इसका एक और नाम है विलोपन विधि। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आए, प्रतिस्थापन विधि आए या विलोपन विधि आए, आपको इसी विधि का प्रयोग करना है। तो देखिए, ये हमारे पास में दो रैखिक समीकरण है, x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 14 और x माइनस वाई बराबर आपको दिया है 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14 को देंगे समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर जो 4 दिया है इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2, है ना। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक संख्या के द्वारा दूसरी को विस्थापन करना, हटाना। तो आइए हम देखते हैं यहां से हम क्या कर सकते हैं कि जो समीकरण नंबर 2 है हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में अपने को दिया है कि x माइनस वाई बराबर आपको दिया है 4। तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। x का मान कैसे निकालेंगे देखते हैं। x बराबर आप लिख सकते हो 4 प्लस का y। प्लस का y क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर माइनस का y था और माइनस के y को जब आप बराबर के उधर ले जाते हो तो y हो जाता है प्लस का हो जाता है। तो यहां पे वैल्यू हुई x की, x बराबर आया 4 प्लस y, है ना। ये जो x का मान आया, अब हम क्या करेंगे इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो जब हम x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से x क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो आइए हम रख देते हैं समीकरण 1 में x का मान, x बराबर आपको जहां पर x लिखा है समीकरण 1 में वहां पर आपको लिखना है 4 प्लस का y, है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x प्लस वाई बराबर जो 14 है आपका, x प्लस वाई बराबर जो 14 है समीकरण नंबर 1, इसमें मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, x के बराबर क्या मान आया 4 प्लस का y। तो यहां पे मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस का वाई पहले से ही था और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो y और y दोनों समान संख्या है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगी। तो आप चाहते हो तो इसको जोड़ लो, 4 प्लस हो जाएगा y और y कितना हो जाएगा 2y और बराबर में कितना हो जाएगा आपका 14। तो यहां से हम क्या करेंगे y का मान निकाल सकते हैं जो प्लस का 4 है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पे वैल्यू मिली 2y बराबर अपने पास आ जाएगा 14 माइनस का 4, है ना। तो 14 में से 4 गया तो कितना बचा, 14 में से 4 गया तो 10 बचा और यहाँ पे कितना है 2y है। अब ये जो 2 है y के साथ वो गुणा में है और बराबर के उधर ले जाएंगे तो हम काय में पहुंच जाएगा वो माइनस में। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, 2y बराबर आपके पास में आया है 10, तो यहाँ पे जो गुणा में है 2 ये बराबर के उधर जाके काय में हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 10 और बटे में 2। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितनी बार कटा ये 5 बार कटा, है ना। तो वाई का मान यहाँ से अपने पास में निकल के आया बेटा कितना आया 5 आया। अब जब एक बार आपके पास में y का मान आया तो हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान अपने पास में कितना आया 5। अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो दोनों में से किसी में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो या 2 में, पर हम 1 में रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या बोलता है, x प्लस y बराबर होता है आपका कितना 14 और यहाँ पे आपके पास में y का मान निकल के आ गया। y बराबर कितना रखना है यहाँ पे, y बराबर मुझे रखना है 5, तो यहाँ पे जाएगा x प्लस का 5 और बराबर में कितना हो जाएगा 14। प्लस का 5 को फिर हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 14 माइनस का 5। अब 14 में से 5 है तो आपको पता है क्या होता है, 9 बचता है, कितना बचता है बेटा 9। तो y x का मान आ जाएगा अपने पास में 9। तो यहां से x का मान निकल के आया हमारे पास में
नौ और वाई के मान कितना है अपने पास में निकल के पांच। तो आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई के मान को निकाल सकते हो। इसके बाद हम वापिस से एक क्वेश्चन इस टाइप का करेंगे जो आपको काफी मदद करेगा। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन अपने को दिया है, निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो या तो मैं कह दूं विलोपन विधि या फिर मैं बोल दूं उसको प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों एक समान है, बस थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है ना। तो आइए हम समझते हैं। अगले आपको दो समीकरण दिए, 3x प्लस का y बराबर 10 और 2x प्लस का 2y बराबर 12। तो हम इस वाले समीकरण को देंगे समीकरण नंबर एक और इसको समीकरण नंबर दो नाम देंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें सारी संख्या अलग अलग, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, और यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे क्या है 12 है। तो सारी संख्या अलग अलग है, तो सबसे पहले इसमें विलोपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x को या y को एक समान करना पड़ेगा ताकि वो दोनों आपस में क्या हो जाए, विलोपित हो जाए। तो देखो यहाँ पे समीकरण नंबर दो में यहाँ पे 2y है और इसमें y के साथ कुछ भी नहीं है। तो यदि हम समीकरण नंबर एक में 2 का गुणा कर दे तो जाएगा 3 दूने 6x और यहाँ पे कितना जाएगा 2y और 10 दूने 20। तो ये 2y और 2y आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, है ना। तो समीकरण एक में हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो समीकरण एक हमारी बन जाएगी, इसमें हम कर देंगे 2 का गुणा, तो ये रहेगा 3 दुने 6x प्लस 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y और बराबर आ जाएगा 10 दुने 20, है ना। यदि हम एक संख्या में 2 का गुणा कराएंगे तो समीकरण की सभी संख्याओं में 2 का गुणा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि गणित पूरा नहीं मानेगा, मतलब अपन ने गणित करो नहीं थोड़ा, सभी के साथ में अपन ने क्या किया, समान व्यवहार किया, है ना। तो फिर आइए देखते हैं, हमने समीकरण एक में 2 का गुणा कर दिया और समीकरण 2 क्या बोलती है, समीकरण 2 बोलती है कि ये आपका 2x है प्लस का आपका 2y है और बराबर में कितना है 12 है। अब आइए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम इस समीकरण एक में से इस समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे, तो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्हों को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चिन्ह प्लस है, 2x के साथ में क्या है कुछ भी नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस को हम क्या कर देंगे माइनस। अब यहाँ पे माइनस किया है तो ये भी प्लस का क्या हो जाएगा बेटा माइनस, और ये भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। मतलब जो कार्य हमने एक संख्या के साथ किया है वो कार्य हमने सभी तीनों संख्याओं के साथ में कर दिया, इससे क्या होगा, हमने गणित का रूल नहीं तोड़ा। तो आइए देखते हैं आगे क्या होगा, 6x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 4x, और ये प्लस के 2y में से माइनस का 2y आएगा तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, मतलब ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। बराबर यहां पर 20 में से 12 जाएंगे, 20 में से 12 जाएंगे, तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का ही आंसर आएगा। तो 20 में से 12 गए तो आपको बच जाएगा कितना 8। तो यहाँ पे 4x बराबर आया कितना 8, तो यहाँ पे x का मान क्या जाएगा 8/4। ये जो गुणा में है x के साथ बराबर के उधर कायम चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। अब काट दीजिए इसको, 4 × 4 और 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे x का मान निकल के आ गया, x का मान कितना निकल के आया 2, x की वैल्यू कितनी निकल के आई इससे, x का मान अपना निकल के आया 2 आया, है ना। तो अब अपने पास में जब एक वैल्यू हो जाती तो हम उसका मान दूसरी समीकरण में रख देंगे। अब देखो ये जो समीकरण नंबर 2 है इसमें अपन x का मान रख देंगे तो यहां से x विलोपित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या बोलता है अपना, 2 × x प्लस का 2y और बराबर में कितना है 12। लेकिन x का मान कितना है, x बराबर कितना है 2, तो यहाँ पे x की जगह अपन 2 पुट कर देंगे तो 2 × 2 प्लस का 2y और बराबर में कितना है 12। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 2 दुने, यहाँ पे आपस में गुणा कर देंगे 2 × 2 = 4, तो जाएगा 4 प्लस का 2y और बराबर में कितना है 12। प्लस के 4 को जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो जाएगा 2y बराबर 12 माइनस का 4। अब 12 में से 4 घटा दो, 12 में से 4 घटा दो कितना बचा 8, तो यहाँ पे जाएगा 2y बराबर कितना जाएगा 8, 2 से काटेंगे 2 × 2 और 2 × 8, तो यहाँ पे y बराबर कितना है बेटा y बराबर आया 4, तो x बराबर आया 2 और y बराबर कितना आया 4। तो यहाँ से हम विलोपन विधि द्वारा x और y दोनों के मान निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा।
हाँ तो बच्चों उसी दौर में एक और आईएमपी क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं अगला। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है दो संख्या का अंतर 26 है, मतलब आपके पास में कोई सी भी दो संख्या हो सकती है और दोनों को जब आप घटाओगे तो उनका अंतर कितना आएगा, 26 आएगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, मतलब मान लो जो पहली संख्या है तो जो दूसरी संख्या है उसकी कितनी होगी, वो तीन गुनी होगी, है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब वो दोनों संख्या आपको निकालना है। तो आइए हम मान लेते हैं, सबसे पहले माना पहली संख्या और ये मानी अपन ने दूसरी संख्या। तो क्वेश्चन में ये बोला है आपसे एक संख्या जो है पहली वाली वो दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो आपको दूसरी संख्या मानना है। तो माना कि यहां पर माना अपन ने माना जो दूसरी संख्या है वो एक्स है, अपन ने सबसे पहले माना कि ये जो दूसरी संख्या है वो क्या है, एक्स है। तो यहां पर दूसरी संख्या यदि एक्स है, दूसरी संख्या अपन ने क्या मानी बेटा यहां पर एक्स, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी है, दूसरी संख्या की तीन गुनी है। तो ये एक्स है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तीन एक्स, कितनी हो जाएगी, तीन एक्स हो जाएगी, है ना। तो माना दूसरी संख्या क्या है, एक्स है, तो दूसरी संख्या एक्स है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की तीन गुनी है, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की तीन गुनी है। तो मैंने क्या कर दिया, एक्स में तीन का गुणा कर दिया, तो दो ही संख्या निकल के आ गई, पहली संख्या है अपने पास में तीन एक्स और दूसरी संख्या कितनी है, एक्स। तो यहाँ पे दोनों संख्या ज्ञात हो गई। अब उसमें क्वेश्चन बोला है उनका अंतर अगर अपन देखें तो अंतर उनका कितना है, 26 है। तो हम आइए इन दोनों संख्याओं का अंतर कर दें, तीन एक्स माइनस का एक्स बराबर आपको दिया है कितना, 26, है ना। अब तीन एक्स में से एक्स जाएगा तो कितना बचेगा बेटा आपका, यहाँ पर बच जाएगा दो एक्स और बराबर में कितना जाएगा, 26। अब ये दो एक्स के साथ में गुणा में है तो बराबर में बदल जाएंगे तो भाग में, तो एक्स बराबर हो जाएगा 26 बटे दो, यहाँ से दो से भाग कर सकते हैं, दो एकम दो और दो किया छह, तो एक्स का मान कितना आया 13, एक्स का मान कितना आया अपना 13। तो दूसरी संख्या यहाँ पर एक्स मानी थी, दूसरी संख्या जो अपन ने मानी थी, दूसरी संख्या यहाँ पर अपन ने मानी थी, दूसरी संख्या मानी थी अपनी x और x बराबर कितना आया 13। तो जो दूसरी संख्या निकल के आई है अपनी, दूसरी संख्या निकल के आई है 13। और ये क्या बोलता है अपन से, जो पहली संख्या है उसकी कितना है, तीन गुना है। तो यहाँ पर अगर मैं x, यहाँ पर जो पहली संख्या है अपने पास में, पहली संख्या जो है वो अपने पास में तीन एक्स है, तो यहाँ पर अगर मैं x का मान रखूंगा तो तीन गुणा x का मान कितना आया 13, तो 13 दिया कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो यदि दूसरी संख्या 13 आई तो पहली संख्या अपने पास में क्या जाएगा, पहली संख्या आ जाएगी अपने पास में 39, है ना। 13 कितना जाएगा, ये 39, और देखो 39 में से 13 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 26 बचेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप इसको देख सकते हो, काफी अच्छे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।